मुझे कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया तुम्हें भरत। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ा करना है तुम्हें। तुम्हें मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे? अफसल हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। भाले राव जी कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहाँ हम जाके रह सकेंगे? I've been told कि भरत तुम्हारे अगेंस्ट इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम लोगों की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ हिंदू रह सके और कोई। जब एक मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है घर से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। तुम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के घरों में ईद और दिवाली एक साथ मनाई है, अब जब से तुम दोनों कॉलेज गए हो एक दूसरे से मिलते ही नहीं। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व खतरे में है। क्या हिंदुत्व? कैसा हिंदुत्व? तू मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरा अस्तित्व है। ये तेरे बचपन का दोस्त नहीं, बचपन का दुश्मन है। रोकना पड़ेगा हुजूर, रोकना पड़ेगा। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई है, तुम्हारे जीवन में तो महाभारत होनी ही थी। आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा रहा, जाओ इस मुल्क को आग लगा। ऐसा क्या देख लिया तुमने कश्मीर में जो इतना बड़ा शॉक लग गया तुम्हें? जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे दे वर डेंजरस पीपल समीर, वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। हमारी कौम प्रताड़ित है ये कह कह कर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। हो जाने दो टुकड़े इस देश के, बह जाने दो खून, ईंट से पत्थर बजा दूंगा लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापस ला के रहूंगा। सुना तो मैंने भी यही है कि तुम लोग सारी दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहते हो, कोई और धर्म रहने नहीं दोगे। जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उनके टुकड़े कर देंगे। हिंदू तो जब जागेगा ना उसकी आंधी में तुम्हारे सारे काले मंसूबों के परखच्चे उड़ जाएंगे। देख मुझे डर है कुछ बहुत बुरा होने वाला। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूं लेकिन लाठी चलाना जानता हूं। जय श्री राम।